स्टेट कंपनीज और रियल स्टेट सेक्टर पर है। स्पेशली रीओपनिंग के बाद रियल स्टेट मार्केट में जोरदार रौनक देखने को मिली है। कई कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं रिकॉर्ड बुकिंग लेवल्स। नवरात्र के दौरान भी हमने देखा कि ये मोमेंटम बरकरार रहा। रियल एस्टेट सेक्टर का डेटा क्या है, किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह की कंपनीज बातचीत कर रही हैं और लॉन्चेस क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए दो स्पेशल गेस्ट, एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी और अजमेरा रियल्टी के डायरेक्टर धवल अजमेरा हमारे साथ शो पे जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे इस चर्चा के लिए। पुरी साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, इसलिए क्योंकि आपके पास सारे रीजन्स का डेटा पॉइंट है। बॉम्बे का डेटा पॉइंट और महाराष्ट्र का डेटा पॉइंट तो बहुत स्ट्रांग है नवरात्रि का, लेकिन जो टॉप अदर रीजन्स भी हैं, 6-7 अदर रीजन्स, साउथ, NCR, वहाँ सब भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपकी रिपोर्ट से। आप बताइए फर्स्ट हैंड क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है। So, ये बात बिल्कुल सही आपने बोली है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वापस आया है डिमांड पे रेजिडेंशियल मार्केट। पहले हमने सोचा था फर्स्ट फेज के बाद कि ये पेंट अप डिमांड है, तो हमने सोचा जैसे जैसे यू नो सिटीज खुली अगस्त सितंबर 2020 कि ये सारा जो लॉकडाउन के पीरियड का डिमांड है वो फुलफिल हो रहा है। बट जैसे मार्केट चलता गया, टाइम पीरियड चलता गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट गया। फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई, हमने सोचा कि अब सेकेंड वेव के बाद ये शायद मार्केट अब टूटेगा, बट मार्केट उसी तेजी से वापस आया है सारी सिटीज के लिए, जो 6-7 सिटीज हैं बड़ी सिटीज, सारी सिटीज के लिए। उसमें MMR को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिला है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन दिया था उसकी वजह से होम बायर बहुत तेजी से इसके अंदर आया है। एंड अभी ऐसे लगता है कि अगले 2-3 साल तक ये काफी स्ट्रॉन्ग चलेगा। होम लोन रेट कम है, मिलेनियल्स बहुत खरीदना चाह रहे हैं इस टाइम पे, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी पे बड़ी डिमांड चल रही है, लोग बड़े घर खरीदना चाह रहे हैं, बेटर लोकेशन पे खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉटेड सेल बहुत चल रही है, वीकेंड होम्स बहुत चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड गुड क्वालिटी डेवलपर्स, एंड धवल जी भी बोलेंगे इसके लिए कि गुड क्वालिटी डेवलपर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी सेल तो जबरदस्त चल रही है, बिकॉज कंज्यूमर इस टाइम पे बड़ा केयरफुल हो गया कि मैं सी ग्रेड डेवलपर को अंडर कंस्ट्रक्शन मैं नहीं खरीदना चाहता, या तो कंप्लीटेड होए तो मैं खरीद लूंगा, पर अगर कोई वीक डेवलपर है तो उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बायर नहीं खरीद रहा, इसलिए स्ट्रॉन्गर डेवलपर की सेल जो है बहुत जबरदस्त चल रही है इस टाइम पे। जी धवल, ये जो अनुज ने बात कही ना वो काफी अहम है कि एक देयर इज अ शिफ्ट, जो खरीदार खरीद रहे हैं रियल एस्टेट वो भी जाहिर सी बात है अच्छे सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज के साथ खरीदना चाहते हैं, ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी कंड्यूसिव हैं। तो ये जो ग्रोथ हमने फेस्टिव सीज़न के दौरान देखा है, इसे आप सस्टेन होता देख रहे हैं? ऑफटेक इसी रफ्तार से जारी रह सकता है, आपको क्या लगता है? अनुज जी ने बहुत सही कहा, हमको भी पहले ऐसे लगा जब ही लास्ट ईयर जब ये सेल काफ़ी अच्छा हुआ तभी हमको लगा शायद ये पेंट अप डिमांड है, और देन यू नो आफ्टर दिवाली, लास्ट ईयर दिवाली के बाद शायद स्लो डाउन आ जाएगा, और डेफिनेटली ये था कि जब स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था उसके बाद तो डेफिनेटली स्लो डाउन होगा। बट फिर भी आज की तारीख में भी हम जो ये मंथ ऑन मंथ डिमांड देख रहे हैं, मंथ ऑन मंथ सेल्स अगर हमारे पर्सनल देखे या डेवलपर्स का देखे, उनसे ये मुझे अभी पेंट अप नहीं दिखता, बट रियल डिमांड दिख रहा है। और उस हिसाब से जो जिस तरह से ये चल रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगले जिस तरह से अभी क्या हो गया है, एंड एज अनुज जी राइटली सेड कि MMR में जिस तरह से डिमांड उठा है, सडनली एक ऐसे लगता है कि लोगों को हाउस, एक घर की इम्पोर्टेंस, और उस हिसाब से यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज भी आप अगर देखें बॉम्बे में, MMR में, मेट्रो रेल, मोनो रेल, कोस्टल रोड, वे सारे के इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई यहाँ पे घर खरीदना एक यू नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सो डेफिनेटली MMR में और ऑल ओवर इंडिया में मुझे लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। साथ ही धवल, क्योंकि हमने देखा कि नवरात्रि में मुंबई में रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, 2,500 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुई, और जो एक एस्टिमेशन निकल कर आ रहा है लगभग 350 रजिस्ट्रेशन डेली बेसिस पे हैं नवरात्र से ही मुंबई के फिगर्स हैं, आपके क्या सेल्स फिगर्स रहीं?
सो हमारे भी नवरात्रि में अच्छे सेल्स फिगर रहे। जो हमारा प्रोजेक्ट आइलैंड में है, अजमेर आइलैंड वडाला में, उसमें हमने करीब करीब वो जो टिकट साइज है वो 2.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में है, तो उसमें हमने करीब 10 से 12 सेल ये 9 दिन के अंदर देखे। सो विच इज गुड मोमेंटम। अगर अगर मैं देखू तो इट इज एवरेज, अगर मैं देखू तो 25 करोड़ का सेल हुआ होगा इन जस्ट 9 डेज। सो विच इज अ गुड साइन आई वुड से, एटलीस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है। और बैंगलोर में भी हमने सेल्स देखे, और सो जहाँ जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बैंगलोर में, पुणे में, अहमदाबाद में, वहाँ पे हर जगह पे हमने मूवमेंट देखी है। ठीक है, बिल्कुल। साथी अनुज जी से मैं बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है अजय स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस हुई प्राइसेस में, एक जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज, क्योंकि हमने देखा कई सारे फैक्टर्स रहे, स्टैम्प ड्यूटी कम हुई, फेस्टिवल डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी थी, जो 7 सिटीज से हाउसिंग सेल्स है वो बढ़कर आ रही हैं, लगभग 113% बढ़ी हैं, और कई सारे नए लॉन्चेस भी डेवलपर्स ने किए हैं। आपकी आपकी फिगर्स या आपका डेटा क्या कहता है, कौन कौन सी ये 7 key states थी? So, इसके अंदर मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक हम काफी बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी MMR में कम हुई उसकी वजह से सेल ऊपर गई, ये बिल्कुल ठीक है, बट बाकी स्टेट्स में नहीं किया था स्टैम्प ड्यूटी, ये उनकी भी सेल्स ऊपर गई, तो इनहेरेंटली मार्केट जो है ये काफी सॉलिड रहा है। आपने देखा होगा गोदरेज ने अनाउंस किया, लिस्टेड कंपनी है नोएडा के अंदर, एक दिन के अंदर 575 करोड़ का नोएडा में सेल। सिमिलरली मैं 2-3 हफ्ते पहले प्रेस्टीज के ऑफिस में था, 800 प्लॉट उन्होंने बेचने थे, 2000 आदमी लाइन लगा के बाहर खड़े हुए थे, रात को 2 बजे से लाइन लग रही थी उनके ऑफिस के बाहर। तो ये मैंने माहौल देखा था 2005-6-7 में, ये जो फ्रेंजी थी रियल एस्टेट की, एंड वो मैं देख रहा हूँ। बट इस बारी अनलाइक 2005-6-7 जब सब डेवलपर्स का ये था, इस बारी सिर्फ गुड क्वालिटी डेवलपर्स की सेल जबरदस्त हो रही है। जो सिटीज हैं वो है बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR, NCR में एक लेता हूं विच इज गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, MMR और थोड़ा कैलकटा। कैलकटा में भी ऊपर उठा है पर इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना बाकी सिटीज का हमने देखा है। बट एक एक अहमियत है कि स्टैम्प ड्यूटी जो थी MMR में उससे बूस्ट मिला, पर हमने देखा बाकी सिटीज के अंदर भी सस्टेनेबल डिमांड रही है, चाहे वो कोई भी लिस्टेड हो या कोई गुड क्वालिटी अनलिस्टेड डेवलपर रहा। अनुज जी ने भी ये बताया कि इस बार बायर रेडी कंस्ट्रक्शन या ऑलमोस्ट रेडी कंस्ट्रक्शन प्रिफर कर रहा है वर्सेस ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि डेवलपर के पास ऑलमोस्ट रेडी इन्वेंट्री कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी अजमेर रियल्टी की बात करते हैं, आप बॉम्बे बेस्ड, बॉम्बे फोकस्ड हैं और जगहों भी है आपका, किस तरह की इन्वेंट्री में बैठे हैं आप, आपको विजिबिलिटी है नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छे सेल्स की? सो हमने जो देखा, आपने सही कहा कि हमारा अगर हम देखें जो प्री लॉकडाउन था, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, हमारा प्रोजेक्ट जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वडाला का, वो उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया था और वो रेडी हुआ था, और बिटवीन लॉकडाउन टिल नाउ हमारा वो जितना भी स्टॉक था वो ऑलमोस्ट 96% आई वुड से ड्राई अप हो चुका है, मतलब वो बिक चुका है। और आज के तारीख में अगर हम देखें तो जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे जो हमने लॉन्च किए थे जनवरी में, अभी हम फ्यूचर में अभी लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर और मार्च में, वो सारे में भी हमको कॉन्फिडेंटली डिमांड दिख रही है। और सप्लाई के लिए, क्योंकि आज जैसे अनुज जी ने कहा कि लिस्टेड डेवलपर्स डेवलपर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट बहुत टाइम से इसके अंदर है, उनके वहां पे सेल्स की कोई डिफिकल्टी नहीं दिखती। और हमने हमने आज से जो हम प्री लॉन्च की प्रेप कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स की, उसके अंदर भी हमको काफी अच्छा डिमांड दिखता है। धवल, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो डिमांड है, एक तो है ओवरऑल पूरे सेक्टर में जिस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है, क्वालिटी वाइज अगर हम देखें, एक बाइफर्केशन अगर हमें करना हो तो इसमें एक जो एंट्री लेवल की डिमांड होती है वो, और दूसरा प्रीमियम हाउसिंग, इसके बीच का स्प्लिट किस तरह का है, बिकॉज ये काफी हद तक एक ट्रेंड और साथ ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही आगे जाके डिसाइड करेगा। सो ये हर शहर और हर सिटी का भी एक एरिया होता है। जैसे अगर हम देखें तो कहीं जगह पे, जैसे अगर आप देखें साउथ बॉम्बे, आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जांपल, साउथ बॉम्बे या सायन है, वडाला है, जू बैंड्रा है, ये सारे एरिया में प्रीमियम हाउसिंग है। अगर हम थाने, पालघर, बोईसर, वो सब जगह वो अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाता है। सो डेफिनेटली
अगर मैं आज देखूं तो रेडी प्रोजेक्ट्स में जो है लग्जरी हाउसिंग की काफी अच्छी डिमांड है, और अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में देखूं जो जैसे अनुज जी ने कहा लिस्टेड प्लेयर्स या जो नॉन लिस्टेड विच आर रेप्यूटेड प्लेयर्स, उनके लॉन्च में भी ये सारे प्रोजेक्ट्स सेल होते हैं. तो ओवरऑल आई वुड से यू नो प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन में अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिड लेवल हाउसिंग इज इन मोर डिमांड, बट रेडी हाउसेज आर गोइंग, मतलब जो रेडी कंस्ट्रक्शन है वो लग्जरी हाउसिंग में ज्यादा जा रहे हैं. बिल्कुल, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि जो जो लोग शायद थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते सीधा ऑफ द शेल्फ खरीदने के लिए, दे माइट बी ऑप्टिंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन. लेकिन अनुज, अब प्रॉबेबली जो इंटरेस्ट रेट का सिनारियो है वो भी यहाँ से आगे इफ़ एट ऑल इट हैज़ टू चेंज तो वो शायद अपवर्ड ही होगा. मूव बहुत ज़्यादा इसको बैंकर्स को भी लग नहीं रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे ब्याज की दरें जाने का या फिर इन लेवल्स पे ब्याज की दरों को बहुत लंबा सस्टेन करने का भी. उसका विल इट हैव एनी इम्पैक्ट या फिर वो नॉमिनल ही होगा? सो डेफिनेटली होता है सर इम्पैक्ट, चाहे वो नॉमिनल भी हो बट सेंटिमेंटली वो काफी इम्पैक्ट पड़ता है बायर का. सो यू नो जो जो मोमेंटम बना हुआ है ये जरूर थोड़ा सा, जैसे गियर चेंज करेंगे तो जरूर थोड़ा सा झटका लगेगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े. मेरे को यही उम्मीद लगती है कि अभी शायद आरबीआई कंटिन्यू करे इस रेट को फॉर अ सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम, नहीं तो डेफिनेटली यू नो झटका लगेगा अगर ऊपर गए इंटरेस्ट रेट्स. एंड अगेन आई से यू नो इतना फाइनेंशियली नहीं होता जितना मैंने देखा है कि ये इमोशनली और सेंटिमेंटली बायर को फर्क पड़ता है अगर होम लोन रेट ऊपर चलने लग गए. एंड एक और बात मैं बोलूंगा जो धवल जी ने भी बोली, यू नो वी हैव सीन लग्जरी सेल बहुत जबरदस्त गई है बॉम्बे में. यू नो मे बी वो जितने भी अपार्टमेंट्स थे कंप्लीटेड थे, मे बी जो यू नो लोग खरीदने वाले थे उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाया है एंड यू नो वो खरीद रहे हैं. एंड मे बी बिकॉज साउथ बॉम्बे में छोटे अपार्टमेंट्स में पुरानी बिल्डिंग्स में थे, अब न्यू अपार्टमेंट्स बड़े अपार्टमेंट्स विद एमिनिटीज ओपन स्पेसेस में वो जाना चाहते हैं. सो दैट वी हैव सीन बहुत जबरदस्त लग्जरी की जो सेल है, ओवरऑल डिमांड रही है. बट प्री कोविड में हमने लग्जरी सेल इतनी नहीं देखी थी जितनी पोस्ट कोविड एरा के अंदर हम लग्जरी सेल्स के अंदर मोमेंटम देख रहे हैं. जी आपने एकदम सही बात बोली, ईटी नाउ स्वदेश के और ईटी नाउ के व्यूअर्स भी उनमें से हैं जिनका पोर्टफोलियो बढ़ गया है और वो थोड़ा सा डीरिस्क करने के लिए परहैप्स रियल एस्टेट कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट धवल, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. इनफैक्ट बहुत सारे लोग दो बेडरूम के जो एवरेज साइज था वो नीचे, ऑब्जर्वेशन ये है कि दो बेडरूम का जो फ्लैट का एवरेज साइज था वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है क्योंकि जब प्राइसिंग बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है तो डेवलपर्स भी रीडिजाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स अपने सो दैट दे कैन फिट इनटू द बजट ऑफ अ यू नो एवरेज फैमिली. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आपने भी अपनी ऑफरिंग्स को थोड़ा सा रिसाइज किया है? सो अजय जी ऐसा है कि इसके अंदर ऐसा है कि भाई जो एरिया है उस एरिया में कैसा डिमांड है और कितना रिक्वायरमेंट है वो उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है. आई एम श्योर अनुज जी का भी यही कहना होगा. बट अगर आप एवरेज देखें टू बेडरूम जो पहले 800 स्क्वायर फीट या 700 स्क्वायर फीट 750 स्क्वायर फीट हुआ करता था कार्पेट एरिया अगर मैं बात करूं तो वो आज धीरे धीरे सस्टेनेबली 600 650 स्क्वायर फीट भी हो चुका है और वो कई कई जगह पे 500 स्क्वायर फीट भी और 450 स्क्वायर फीट भी है. बट ये प्रोजेक्ट का और एरिया का आपको एक एनालिसिस करना होगा कि अगर मैं ये 450 में एक अफोर्डेबल टू बेडरूम बना दूंगा जो शायद मेरे पेपर पे बिक जाएंगे बट अगर वो रियलिटी में वहां पे लोग आएंगे. आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल कि मैं एक यू नो साउथ बॉम्बे में 450 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट का टू बेडरूम बनाओ तो शायद पेपर पे बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस दिखेगा, लॉन्च पे बिक जाएगा. बट अगर मैं उसको सस्टेनेबली रियलिटी में जब देखेंगे तो शायद उस पर डिमांड नहीं आएगी. तो ये एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट के साथ साथ एक साइज भी लोगों को इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि इवेंचुअली उनको वो घर में रहना है. वो एक छोटे मैचबॉक्स साइज में कोई भी आदमी प्रेफर नहीं करता चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. तो उनकी एक डेफिनेटली डिमांड रहती है
और डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू मैच द बजट वर्सेस द साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही डिफिकल्ट है आज डेवलपर्स को कॉस्ट की वजह से, बट ये एक रियलिटी भी है. अनुज जी, आपसे पूछता हूं मैं कि कंपेरेटिव कंपटीशन कैसा चल रहा है बाजार में, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये जो एक एक वेव आ रही है बायर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स चाहेंगे कि इस वेव को कैप्चर करें और कुछ हद तक दिख भी रहा है, तो प्राइसिंग क्या कम करनी पड़ रही है या ज़्यादा वैल्यू पैक करनी पड़ रही है अपनी ऑफरिंग्स में? क्योंकि मैं आपसे एक अनबायस व्यू मांगूंगा, एकदम आप सारे डेवलपर्स को ठीक से फेयरली एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से डेवलपर्स कॉम्पिटिशन को फाइट कर रहे हैं ल्योर करने में बायर्स को अपनी तरफ. मैं इसको दो पार्ट्स में आंसर करूंगा. पहला पार्ट है कि बहुत कंसोलिडेशन देखी है हमने. आई मीन आई हैव बीन इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री फॉर 25 इयर्स. 25 साल में मैंने ऐसी कंसोलिडेशन नहीं देखी जो पिछले आई वुड से मे बी 25 साल में, प्री कोविड में मैं डालूंगा, यू नो एनबीएफसी क्राइसिस, जीएसटी एंड उसके बाद ये कोविड, जबरदस्त कंसोलिडेशन देखी है. तो उसके अंदर हमने देखे हैं अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स, लॉट ऑफ डेवलपर्स जो प्राइस को तोड़ते थे पहले, वो वाले जो है वो सारे डिसअपेयर हो गए हैं इस टाइम पे. बिकॉज यू नो एक्चुअली जो वो प्राइस नीचे लेके आते थे वो प्रोजेक्ट ही अनसस्टेनेबल हो जाते थे. हमने नोएडा में देखे बहुत सारे ऐसे केसेस थे. तो पहला पार्ट तो ये है कि नंबर ऑफ डेवलपर्स जो है बहुत ज्यादा श्रिंक हो गए हैं थ्रू दिस एरा, इंक्लूडिंग प्री कोविड जो चैलेंजेस थे. दूसरी बात है कि आई एम रियली डिलाइटेड द वे डेवलपर्स हैव वर्क्ड दिस टाइम. उन्होंने बोला है कि हमें ना मोमेंटम ऑफ सेल्स चाहिए. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले एंड योर धवल विल ऑल्सो एग्री, पहले क्या होता था, थोड़ी सी सेल होती थी प्राइस बढ़ा देते थे, थोड़ी सी सेल होती थी फिर प्राइस बढ़ा देते थे. अब डेवलपर्स ने बोला है कि नहीं, कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, इसको जितना बेच सकते हो आप बेचो. And that is where they are doing it. एक स्टेज पे जाके जब प्रोजेक्ट कंफर्टेबल हो जाता है, जब फाइनेंशियल क्लोजर हो जाता है, उसके बाद हम देख रहे हैं प्राइस राइज डेवलपर करना शुरू कर रहे हैं. बट ऐसे कोई हरी में नहीं है कि प्राइस राइज इमिजिएटली करें ही करें. मेरे को लगता है जो न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आप देखोगे कि प्राइस राइज जाएगी ऊपर, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है डेवलपर्स की वो बहुत बढ़ चुकी है इस टाइम पे. एंड हम ये भी देख रहे हैं कि बायर की एबिलिटी काफी इंक्रीज हो गई है प्राइस को ऊपरी प्राइस देने के लिए. बिकॉज पिछले 4-5 साल में प्राइस बढ़ी नहीं है, पर इनकम जो है बायर की वो बढ़ गई है 5-7%. तो एबिलिटी है बायर की टू पे अ हायर प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट. सो ये दो पार्ट्स में मैं बोलूंगा, एक तो बहुत कंसोलिडेशन हुई है तो हेंस कॉम्पिटिशन कम हुआ है. सेकेंड, आई डू वॉन्ट टू गिव क्रेडिट दिस टाइम टू द डेवलपर्स कि इन्होंने इस बारी मोमेंटम पे ही बोला है कि हमें कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को नीचे लेके आओ, माल बेचो, नॉट नेसेसरली कि प्राइस ऊपर बढ़ाओ. जब एक बारी के बाद प्रोजेक्ट जो है वो कंफर्टेबल पोजिशन में पहुंच जाता है और फाइनेंशियल क्लोजर उसका हो जाता है थ्रू द सेल्स, देन दे स्टार्ट टू इंक्रीज द प्राइस. वो भी बहुत हल्के हल्की प्राइस इंक्रीज करते हैं. बिल्कुल. चलिए अनुज, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और धवल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. एक बार देख लेते हैं मार्केट.